जिसे जिसे चुनाव की तारीख नजदीक आती रही है, चुनाव सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के द्वारा कार्यालयों का शुभारंभ वार्ड के स्थानीय वरिष्ठ नेता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 1 के प्रत्याशी पवन इगला व वार्ड क्रमांक 16 के प्रत्याशी मंजुला मुन्ना गुजर के वार्ड में पूर्व सांसद खरगोन जिला प्रभारी गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी की उपस्थिति में कार्यालयों का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेंद्र पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लाली शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरगोन जिला प्रभारी गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में आए दिन आत्महत्याएं हो रही है। नगर निकाय चुनावों में आप सभी एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलवाइए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेंद्र पटेल व लाली शर्मा ने भी सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाते हुए एकजुट होकर नगर के 18 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दर्ज करवाने की अपील की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 1 के प्रत्याशी भाई पवन इगला को विजय बनाकर इस नगर सनावद में और वार्ड क्रमांक 1 में सेवा करने का अवसर देवे। साथियों, आपके बीच आपका वार्ड का लड़का पवन आपके सुख दुख में आने वाला है, यह आप भली भांति जानते हो। और अगर नगर पालिका में पार्षद के रूप में अगर आप भेजें तो निश्चित तौर से आपके वार्ड की गतिविधियों को लेकर आपकी सेवा में तत्पर रहेगा, इतना मुझे विश्वास है। और मैं हो सकता है कि आप लोगों को भी इतना ही विश्वास होगा कि अगर पार्षद के रूप में अगर कभी पवन को भेजेंगे तो निश्चित तौर से आपके वार्ड क्रमांक 1 की दिशा बदलने में प्रयास करेगा। सनावत से नीलेश माला करके ये रिपोर्ट।